हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन में एक बड़ा अपडेट आया है। मैं आज की इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि इस अपडेट के बारे में बताऊंगा क्या क्या फ्यूचर आए हैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जब ओपन किया, तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप एप्लीकेशन में चैट है, स्टेटस है और कॉलिंग का ऑप्शन है। लेकिन अब ये ऑप्शन अब चेंज हो चुका है। तो चेंज हमें कैसे मिलेगा, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे चैट स्टेटस कॉलिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे अभी क्या है कि सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। और यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे लिखना है आपको व्हाट्सएप और लिखने के बाद आपको सर्च करना है। सिर्फ व्हाट्सएप लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट्सएप मैसेंजर आ जाएगा और यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपके फ़ोन में अपडेट होगा और ये डाउनलोडिंग हो रहा है हमारे फ़ोन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग हो चुका है। बस थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप इसमें क्या फ्यूचर आया है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोडिंग कर लेंगे, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ओपन, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक हमारा जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वो उसमें अपडेट आ चुका है। तो आपको कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं दूसरे मोबाइल में आ चुका हूं। आने के बाद दोस्तों अब आपको दिखाता हूं कि मैंने कल ही अपडेट कर लिया था और अपडेट करने के बाद ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन जब मैं फर्स्ट मोबाइल में ओपन कर रहा हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। लेकिन जब मैं सेकेंड वाला मोबाइल अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए ओपन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है और यहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ये फ़र्क हो चुका है दोस्तों कि यहाँ पर जो स्टेट पहले स्टेटस का ऑप्शन मिलता था लेकिन वो यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे में आपको मिलता है फाइंड चैनल, आप अपना चैनल यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी ऑल, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सी ऑल यहाँ पे जितने भी रहेंगे वो वहाँ पर आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर 451,000 फॉलोवर, यहाँ पर 265,000, यहाँ पे जिस तरीके से फॉलोवर रहेंगे यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऊपर में फॉलो का, इस पे आपको क्लिक करना है और ये देखिए आपको ने फॉलो कर लिया है। और मैंने इसे क्यों किया है, इंडियन क्रिकेटर टीम, ये इंडियन क्रिकेटर टीम है और जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं क्रिकेट के बारे में, तो यहाँ पर मुझे फॉलो का, अब मैंने यहाँ पर फॉलो कर लिया है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम और यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, जैसे कि मैंने एक फॉलो और भी किया था यो न्यूज़ वाला, News18 इंडिया को, तो यहाँ पे नोटिस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको भी नोट आते रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल और यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे अभी फाइंड का ऑप्शन है। लेकिन अभी बनाने का ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पे फाइंड चैनल, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मोस्ट एक्टिविटी, यहाँ पे पॉपुलर, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर मेन ये पॉइंट आप देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इंडिया, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ से है अफगानिस्तान, यहाँ पे जो भी कंट्री से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे पाकिस्तान से, नेपाल से, तो ये आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इंडिया सेलेक्ट है या नहीं। तो आप इस तरीके से ओके, अब आपको क्या करना है, स्टेटस वाला ऑप्शन में पहले यहाँ पर रहता था, अब यहाँ पर है और यहाँ पर 3 डॉट वाला ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए इस पर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मल्ट अपडेट है और यहाँ पे प्राइवेसी है, आप प्राइवेसी वाला ऑप्शन पे यहाँ से आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सारा सेटअप यहाँ पे आप देख लिया, यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, तो कॉलिंग और यहाँ पे स्टेटस वाला ऑप्शन पे अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आप जब चैनल बनाने का ऑप्शन आए तो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना।